तेज बारिश के चलते आगरा में नगर निगम का नाला सिंचाई विभाग का नाला तालाब बना। आपको बता दें, सैकड़ों लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, लोग हाल बेहाल हैं वहां पर। आपको बता दें, प्रशासन को पहले भी कई बार पत्र के माध्यम से नल और नगर निगम के अलग अलग कराया जाए इसकी मांग की गई थी। नगर निगम के गंदे पानी से मृतक शरीरों के द्वारा महामारी फैल रही है और पीने का पानी फ्लोराइड में बदल रहा है। क्या कुछ कहना है जनता का, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं जनसेवी न्यूज में आपके साथ बनवाई लाल। मैं जनसेवी न्यूज के माध्यम से आज दिखाना चाहता हूँ अपना प्रधान के लिए क्या स्थिति नहीं जा रही है। मेरे साथ मौजूद है अपना पंजाब के काफी और सभी नगर का जो नाला है किस तरीके का यह नाला और पानी छोड़ा गया है, क्या नाम किस तरीके की परेशानी महिला भी रही है और आदमी भी गए हैं, नाला बंद भी करवाया फिर भी उन्होंने नहीं बोलते, 10 मिनट उन्होंने खुलवा दिया। बड़ी परेशानी है, देखो कितना पानी भरा हुआ है। सबने के देंगे कोई ऐसा नहीं है, उसके पास नहीं गए थे, सबके पास गए थे, मीटिंग बार बार हो चुकी पर कोई हल नहीं निकला। मीटिंग का बार बार आते हैं, अंतर देते हैं, कुल नहीं है, पानी को समझ नहीं है, पानी भरा जा रहा है। कहाँ से पानी आया, सराय से आगे से आया है पानी, सब नगर में होगा पानी आया, हिंदू बढ़ रहा पानी आया, पानी आया और इसी में छोड़ दिया है। मेरा नाम प्रवीण सिंह है, मैं पर हूँ, नगर निगम गंदा पानी से मौजूद है। कई बार आपने लोग गए थे वहाँ किस प्रकार के पत्र के माध्यम से और सभी जगह सही था, सभी के यहाँ 400 मीटर की दूरी का देखना कई सरकार बारिश का पानी है, किसी नाला नदियों का भी पानी मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि बारिश का पानी नहीं, बारिश का तो चलो बारिश हो रही है, बाकी ये पानी तो परमानेंट चलता रहता है ना, क्योंकि बाजार का जितना गंदा पानी आता है वो सभी घर उसे निकल के जाता है, लेकिन घरों में कम से कम 500 से 600 घरों में पानी भरा हुआ है। तो कई बार हम इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनिधा है नया पंजाब नहीं है, सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है, इसकी शिकायत हमने कई बार करती है, लेकिन नगर निगम को क्या कमजोरी, नगर निगम को कई बार अंतिम वचन भेज दिया, नगर एक बार नाला बंद भी करा दिया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और जना न जाने की नेता जी कहते हैं वो आके कोई बजाते हैं पानी से, लोगों के घरों में बीमारी बढ़ने लगी है, कई जानवर पानी पीने नहीं चाहते यहाँ के, क्योंकि रोजगार की काफी समस्या हो रही है, लेकिन अभी तक नगर निगम काफी अब आप क्या चाहते हैं आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके का ये पानी का रुकावट होना चाहिए, पानी के घरों में पानी का रुकावट होता है। मैंने हम जिलाधिकारी महोदय तो मंडल आयुक्त महेश्वरी को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि हम सबसे लेकर नहीं जा, हम 4 से 5 गांव की पंचायत स्तर के या तो सब नाले में आंदोलन करेंगे बड़ा, या फिर माननीय जिलाधिकारी महोदय का घेरा करेंगे, इस बार इस बंद होने का नाम ले रही है और काफी पानी में तो ये कहना चाहता हूँ सजग रहना चाहिए, लोगों की जो परेशानी है उसकी समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए, जहाँ जहाँ से आपने नाला रखा हुआ पड़ा है उसके आगे नहीं भूलना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने नगर निगम के लोगों की चिंता करो, गाँव काम करो की नहीं समाधान करो, अभी तो बारिश होती रहेगी, लग रहा है हम तो यही करेंगे, नगर आयुक्त का घेराव करेंगे, जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे, नहीं तो जन समाधि देंगे कम से कम 200 लोग, कम से कम 200 लोगों के साथ जन समाधि देंगे, नहीं सुनवाई